हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 144 में बेचने पर कितना? 1/7 के बराबर हानि। तो 144 किसके बराबर है? 6 बराबर, तो 7 का मान पूछ रहा है। तो 6 से 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 24 इंटू 7, 24 इंटू 7, 7 चौक 28 का 8, 1 28 का 8, 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस। बेच रहा कितने में? 189 में। कितना अधिक में? 21 रुपये अधिक में। कितने पे? 168 इंटू इधर हो जाएगा 100, ये चला जाएगा 3 से 7 बार, ये चला जाएगा 3 5 15, 3 6 18, ये 7 से 8 बार, 100/8, 12.5% का लाभ। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, रोमा 75,000 में एक कार खरीदती है, वह इसकी रिपेयरिंग में 10,000 खर्च करती है। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दी। रितु ने इस कार को खरीदने में कितनी राशि? तो कार का मूल्य कितना हो गया? 75,000 प्लस कितना हजार और खर्च कर दी? 10,000, 75 और 10, 85,000, 85,000 उसका हो गया क्रय मूल्य। 85,000 क्रय मूल्य कितने पर लाभ पर? 15% लाभ पर, मतलब 23/20 इंटू कितने पर लाभ पर? 10% लाभ पर, मतलब 22/20, 2 0 से 2 0 चला गया, 850 इंटू 23 इंटू 22, 85 इंटू 23 इंटू 22, ये हो जाएगा 23 इंटू 22, 23 को 22 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 का 0 असल की 1, 4 एकम 4 1 5, 506, 506 को मल्टीप्लाई करना है 85 से, 506 को 85 से, 5 6 5 30, 30 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 25, 25 30, फिर 1 गुना 8 से 8 6 48, 48 और 8 5 40, तो ये हो जाएगा 0, 8 और 3 11 का 1 हासिल की 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल की 1 3, 43 0 10/4 और 1 0 और आ जाएगा, तो ये 4 से जाएगा, 4 1 कम 4 भाग नहीं जा रहा, 0 4 संते 28, 2 4 5 20, 4 5 20 1, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 4 2 8, 4 5 20, 1 लाख, 1,07,525 में। आगे देखें स्टूडेंट्स, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में और दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकता है। तो पहला पाइप बनने वाला कितना? 30 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप बनने वाला 45 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप खाली करने वाला इसे 27, क्योंकि तीसरा पाइप खाली करने के लिए तीनों खुले हो तो 27 मिनट में भरता है। ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना? 27। इन तीनों का आ जाएगा एलसीएम 270। 30 से 9 बार, 45 से 6 बार, 6 बार और 27 से 10 बार, तो ए का मान आ जाएगा 9 प्लस बी का मान 6 माइनस सी बराबर 10। तो माइनस का सी बराबर हो जाएगा 10, माइनस का 9 और 6 15, सी बराबर हो जाएगा 5। तो तीसरा पाइप पूरे टैंक को 270 के अंदर अपन 5 का भाग देंगे, 5 25, 5 चौका 20,
54 मिनट में खाली कर देगा। आगे देखें स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के दो कोणों में से प्रत्येक का मान 65 है, दूसरे कोण भी बराबर है इन दोनों कोणों का मान। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री माइनस दो कोणों में से प्रत्येक का 65 है तो दो का हो जाएगा 130, 360 में से 130 चला जाएगा तो हो जाएगा 230, 230 में अपन दो का भाग देंगे प्रत्येक कोण निकालने के लिए तो 115 डिग्री। आगे देखें स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन, एक कॉलेज के तीन समूह G1, G2, G3 में छात्रों की संख्या 20%, 40%, 20, 40 और 60 है। समूह G1, G2, G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70% है। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने थे? तो G1 इधर हो जाएगा, G2 इधर हो जाएगा, G3 कितने छात्र हैं? 20, 40 और 60। तो इनको कितना अंक मिला? 50%। अगर 100 अंक का पेपर है तो इनको मिल रहा है 50 अंक, इनको मिल रहा है 60 अंक, इनको मिल रहा है 70 अंक। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 120। अंक कितना मिलना चाहिए था इनको? 120 पूरे टोटल हो गए। अंक मिले इनको, अंक 120 इधर हो जाएगा 1000, इधर हो जाएगा 2100, इधर हो जाएगा 7 × 42 4200। तो 42 ये हो जाएगा 42 और 24, 44, 46, 56, 66 और 10 76। 7600 भाग 120, 0 से 0, बार छिगानी बेहतर 4, बार 36, 1/3, 63 सही, 1/3 अंक। आगे देखें स्टूडेंट्स, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है और दो घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में निश्चित दूरी पर छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति दो घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? 80 किलोमीटर की। और 4 घंटे बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे बाद 4 घंटे में और कितनी दूरी? 4 × 4 160 और 80, 240 किमी की दूरी दूसरी ट्रेन 4 घंटे में करेगी। तो 4 घंटे में इसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखें स्टूडेंट्स सातवां क्वेश्चन, दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी, ए कितने में? 22 और बी 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने में 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो 3 घंटे तक काम कौन किया? इन दोनों का लघुत्तम 66, 22 + 66 33 × 66 3 घंटे तक काम कौन किया? 3 घंटे तक काम बी किया। तो 3×2 की स्पीड से 6 काम बी किया। तो 66 - 6 60 काम ए और बी ने 5 की स्पीड से मिलकर किया 12 घंटे में। तो टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल 12 घंटे, तो ये 12 प्लस 3 घंटे तक वो पूरा घंटा लगा, 15 घंटा। आगे देखे स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, अच्युत ने 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोली, वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर। कितना प्रतिशत? 30% फिनिशिंग पर, 30% फिनिशिंग पर, 20% अन्य ईटीसी सामग्री खरीदने पर करता है अपनी दुकान के लिए, बाकी का सामान खरीदने के पास के लिए उसके पास। तो कितना रुपये, कितना प्रतिशत खर्च कर दिया वो? 50%। तो 25,000 बटा
पूरा 100% था, अब उसके पास कितना बचा? 50%। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 इंटू 5, 12,500 रुपया उसके पास बचा। आगे देखे स्टूडेंट्स नौवा क्वेश्चन, किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर आवर, यदि नाव की जल धारा की विपरीत दिशा में 38 किमी की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं तो धारा की चाल कितनी दूरी तय करने में? 38 किमी की दूरी तय करने में कितना घंटा? 4 घंटा। तो 4×36, 4.5 किलोमीटर प्रति आवर तो धारा की चाल। तो 12 माइनस 9.5, 12 माइनस 9.5 ये हो जाएगा 3, 12 माइनस 9.5 ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति हावर। ये हो गई धारा की चाल, धारा की चाल। आगे देखिए स्टूडेंट्स दसवा क्वेश्चन, 75 6 9 का वर्गमूल कितना होगा? तो 75 6 9, ये दो दो के जोड़े बना लेते हैं, एक लाइन इधर खींचना है, 75 से छोटा, 75 से छोटा हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 × 8, 8 × 2 = 64 आ जाएगा 11, इधर आ जाएगा 6 9, 8 × 2 = 16, यहाँ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना कि इससे ज्यादा नहीं जाए, 7 से, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 9 आएगा। तो 7 × 7 = 49, 4 7 × 6 = 42 और 4 × 6 = 46 का 6, हासिल की 4 × 7 = 11, तो ये हो जाएगा 87 का स्क्वायर। आगे देखे स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, 1475 का निवेश 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर किया गया, प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता हो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा स्टूडेंट्स, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना है? 1475, दर कितनी है? 4, समय कितना है? 5 वर्ष, बटा 100, तो 5 से ये चला जाएगा 20 बार, 4 से ये 5 बार, 5 से 5 × 10, 5 × 9 = 45, 5×25 295 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 3 की औसत आयु 9:7 है, पहले 3 और अंतिम 2 की औसत आयु का अनुपात, यदि उनकी आयु का अंतर 12 है तो पहले 3 ए मान लेते हैं, इधर हो जाएगा 2 2 ए, तो इनका 9:7 है तो अंतर कितना है? 12। अनुपातों का अंतर कितना है? 2, एक अनुपात बराबर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9763 और इधर हो जाएगा 7×42, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3×3 = 9, 6×3 = 18, 189 और 84, 9 और 4 = 13 हासिल की 1, 8×2 = 16, 17 = 7 हासिल की 1, 1×1 = 2, 273, 273 हो गई इनकी पांचों की आयु, 273। अब इनका पांचों का निकालना है तो 5 का भाग, 5×25 = 2, 5×4 = 20, 5×6 = 30, 54.6। आगे देखे स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में, रोहन प्लस रोहित एक काम को किसी काम को कितने 10 दिन में, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में, दोनों का लघुतम 30, 10 × 30 = 15×2 = 30, रोहित अकेला उसी काम को, तो रोहित की स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर रोहन की 2 है तो रोहित की 1 हो जाएगी, तो 30 काम को 1 की स्पीड से 30 दिन में। आगे देखे स्टूडेंट, श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो श्याम के अंक दिव्या के अंक से कितना है? 25% अधिक है, मतलब ये हो जाएगा 125, इसका है 100, तो दिव्या के अंक श्याम से कितना कम है? कितना कम है? 25 कम है, इससे श्याम से 125 × 100, ये
25 ये 25 से 5 बार, 100 में 5 का भाग देंगे तो 20%। यदि जी बराबर 96/12, 96/12 का भाग देंगे 8 प्लस 96 के अंदर 12 का भाग देंगे 8 प्लस 12 और 8 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10, 10 को 14 से इंटू मिलाई मल्टीप्लाई करेंगे 140, तो ये हो जाएगा 148 का एक चौथाई, 4 से 4 12 और 4 7 28 37। आगे देखे स्टूडेंट 18वां क्वेश्चन, 3 4 9 का चौथा अनुपाती, तो ये हो जाएगा 3:4 9:x, तो 4 × 9/3, 3 से 3 बार 4 3 12। आगे देखे स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है, 48 किलोमीटर दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करते हैं, उसी यात्रा को 8 घंटे में पूरा, 8 घंटे में पूरा, तो 48 में 8 का भाग 6 बार, 6 × 10, 60 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखे स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना अधवार्षिक तौर पर होती है, अधवार्षिक तौर पर, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 4 वर्ष, दर 10 का हो जाएगा 5%, 4 वर्ष की ट्रिक होती है, 4 6 4 1, मूलधन कितना है 1,60,000, 1,60,000 का 5%, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, 1,600 का 5%, 8,000, 8,000 का 5%, 8,000 का 5%, 8,000 का 5%, 400, 400 का 5%, 400 का 5%, 400 का 5% 20, 20 का 5%, 20 का 5% हो जाएगा 10%, 2 और 5% हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 8 × 32,000, 6 × 2,400, 20 × 80 और 1, 1,8,4,4,3, 34,481 रुपया मूल वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज। आगे देखे स्टूडेंट्स 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सहित 3/4 वर्ष में 924 हो जाती है, तो आरंभ में राशि, तो 6 सहित 3/4 वर्ष, 6 सहित 3/4 वर्ष का हो जाएगा 6 × 24, 6 × 24 और 3 24 और 3 27/8, तो ये चला जाएगा इससे 8 से 4 से 2 बार, 27 × 54%, ये हो जाएगा 924, 154% के बराबर हो जाएगी राशि, तो 100%, तो ये 15,96, मूलधन हो जाएगा 600 रुपया। आगे देखे स्टूडेंट्स 6 रुपये प्रति अंडे की दर पर 100 अंडे खरीदे, कितने अंडे खरीदे, 6 रुपये प्रति दर पर कितने अंडे खरीदे, 100 अंडे, कितने के खरीदे, 600 रुपये के, उनमें से 25 अंडों को 10% लाभ पर बेच दिया, 25 अंडों को कितने प्रतिशत, 10%, मतलब 6.60 में बेच दिया, 6.6 में, 25 अंडों को 10% आने पर 5.4 में बेच दिया, और बचे हुए अंडों को 20% लाभ पर, बचे कितने अंडे, बचे 50 अंडे, 50 अंडे को कितने पर, 20% लाभ पर, मतलब
7.2 में। तो 66 को 25 से मल्टीप्लाई, 66 को 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो 25 को 66 से ये हो जाएगा 6 5 30 का 0 3 6 2 12 3 15। ये भी इधर भी हो जाएगा 0 5 1, तो ये हो जाएगा 0 5 6 1 165। ये हो जाएगा 25 को 54 से मल्टीप्लाई करेगा तो 25 को 54 से, तो ये 5 चौका 4 5 20 2 4 2 8 और 2 10 125। 0 5 3 135 ये हो जाएगा 135। 75 को 50 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 5 5 5 6 30 5 7 42 ये 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर 0 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल किए 7 5 35 1 36 360। अब इन सबको जोड़ने पर 6 5 और 5 2 10 का 0 हासिल की 1 6 2 12 12 और 3 15 और 1 16 का 6 हासिल की 1 3 और 4 5 और 1 6 660 में 600 में खरीदा और 660 में बेचा कितने का फायदा 60 का 60/600 × 100 से 2 0 चला गया 10 से ये 6 से 6 10% का लाभ। आगे लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 30 लोग एक कार्य को 12 दिन में, तो 40 लोग उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे 30 × 1 × 12/40 × 1 × अक्ष तो 0 से 0 4 से 12 3 बार अक्ष बराबर 9 दिन। आगे देखे स्टूडेंट्स 26वां क्वेश्चन, तारा के विपरीत 75 किमी की दूरी तय करने में एक नाविक को 12 घंटे तथा धारा की दिशा में 7.5 घंटे, तो धारा के विपरीत मतलब ए माइनस बी बराबर 75/12 बार छिगानी 75 कितना बचा 3 3 तो 12 × 24 12 × 5 = 60 और ए प्लस बी 75 में 7.5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10। तो धारा की गति इन दोनों को 10 में से 6.25 घटाएंगे तो आ जाएगा 3.75 3.75 में 2 का भाग देंगे तो धारा की गति 2 एकम 2 1 8 × 16 8 × 16 = 1 7 और ये हो जाएगा 5 2 1.875। आगे देखें स्टूडेंट 27वां क्वेश्चन, यदि भाग का मतलब गुना, गुना का मतलब प्लस, प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब भाग 28, गुना का मतलब प्लस 3, प्लस का मतलब माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा 12, माइनस का मतलब भाग 4 और भाग का मतलब है गुना कितना है 10, तो ये इससे चला जाएगा 3 3 × 10 30 माइनस 28 और 3 31 31 - 30 1। आगे देखे स्टूडेंट 28वां क्वेश्चन, 5.5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष पर 3250 की राशि पर 8 वर्ष में कितना वो अर्जित होगा ब्याज, तो मूलधन 3250 गुना दर कितनी है 5.25 × समय 8 वर्ष / 100 पॉइंट जाएगा नीचे आ जाएगा 100, 25 से 4 बार ये 25 से 25 × 50 25 एकम 25 फिर ये 0 से 0 0 से 0 तार से ये 2 बार ये 2 से ये 5 बार 5 से 5 6 30 55 25 65 × 21
हो जाएगा 1300 1365। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कौशिक ने 118 180 में एक खिलौना खरीदा और 202 में बेच दिया, उसका लाभ का दर कितने में खरीदा? 180 में खरीदा और बेचा कितने में? 202.50 में। कितने का लाभ हुआ उसको? 22.5 का। तो 22.5 बटा 180 इंटू 100, पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 0, 2 0 से 2 0, 18 का भाग ये चला जाएगा, 18 का भाग 18 एकम 18, मतलब 180 बार 18 एकम 18 कितना? 4, 18 दूना 36, 9 9 बटा ये हो जाएगा 0.5, 12.5। आगे देखिए स्टूडेंट्स, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12%। तो अगर 100% किसी का मूल्य होता है, छूट हो गई 12% की, तो वस्तु का मूल्य हो जाएगा 88%। तो 160 बटा 100 इंटू 88, 0 से 0 ये चला जाएगा, इससे 5 ये चला जाएगा, इससे 8। तो 88 इंटू 8, 8 बटे 64 का 4 हासिल की 6, 8 बटे 64 और 6 70 बटा 704 बटा 5, 5 से 5 एकम 5, 2, 5 चौका 20, 0, 140.8। आगे देखें स्टूडेंट 31वां क्वेश्चन, सामू ने अपने धन का 1/4 किताबों पर और 1/8 अपने भोजन पर, 1/4 प्लस 1/8 दोनों का एलसीएम आ जाएगा 8, ये हो जाएगा इधर 2 प्लस 1, तो 3/8, 3/8 उसने खर्च कर दिया, उसके पास बचा कितना? 5/8 उसके पास बचा, तो 40, 5/8 उसके पास बचा 5 से 8 बार, 8 बटे 64 उसके पास पूरा धन था। आगे देखिए स्टूडेंट्स 32वां क्वेश्चन, 66 198 और 154 का मैथम समापवर्ती, 66 198 और 154 का मैथम समापवर्ती, तो ये किससे जाएगा? 11 से 11 6 66, 11 एकम 11 11 8 88, 11 एकम 11 11 चौक 44, फिर चला जाएगा 2 से 3, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 9 बार, 2 से ये 7 बार, तो इसका एच सी एफ आ जाएगा 11 दुना 22। आगे देखें स्टूडेंट्स 45 लोग किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 45 लोग एक कार्य को 12 दिन में, यह एक एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो 36 लोग उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 45 इंटू 1 इंटू 12 बटा 36 इंटू 1 इंटू अक्स, तो 12 एकम 12 बार 36, 3 से 45 में 3 का भाग देंगे 15, तो 15 दिन में करेंगे 36 लोग। आगे देखें स्टूडेंट्स 34वां क्वेश्चन, 138 भाग बड़ा कोष्टक 35 माइनस मझला कोष्टक 53 माइनस 75 के अंदर 9 का भाग देंगे तो 8 8 6 48, 89 में से 48 जाएगा 1 41, मझला और बड़ा 53 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 और 3 12, 12 बचेगा, 35 में से 12 चला जाएगा तो 35 में से 12 चला जाएगा तो 23, 138 भाग 23, 138 भाग 23 है। आगे देखें स्टूडेंट्स 35वां क्वेश्चन, 5/12 और 5/12 और 12/5 का योग, 5/12 प्लस 12/5 का योग, तो 12 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 25 प्लस इधर हो जाएगा 144, 144 और 25 54 64, 169/60 इससे चला जाएगा 2 बार, 120, 120 ये हो जाएगा 49/60, 2 से ही 49/60। आगे देखें स्टूडेंट्स
एक ट्रैक्टर 36 किलोमीटर आवर की गति से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। 36 किलोमीटर आवर से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। उसी दूरी को 8 घंटे में तो ये चला जाएगा इससे 5 बार, ये चला जाएगा 4 बार, ये 4 से चला जाएगा 9 बार। 9 इंटू 5 बराबर 45 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखे, इतने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 प्राप्त होगा। तो उस साधारण ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज हो जाएगा 120 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ये हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ये हो जाएगा अक्ष बराबर 120 इंटू 10 बटा 6 से चला जाएगा 2 बार 200। आगे देखें स्टूडेंट्स, 39वां क्वेश्चन, एक राशि का निवेश 5 वर्ष के लिए किया गया तो इसे 5,250 की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 2% होता तो प्राप्त हुई राशि 5,600 होनी थी। निवेश की गई राशि कितनी होनी थी? 5,600 माइनस 5,250, तो कितनी कम हुई? 350। अगर 2% अधिक होता तो 5 साल में कितना अधिक होता? 10%। तो 350 बटा 10 इंटू 100, 0 से 0, 3,500। आगे देखें स्टूडेंट्स, 40वां क्वेश्चन, दो पाइप एक्स और वाई क्रमशः 32 और 16 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। एक्स और वाई 32 और 16 का एलसीएम 32, 32 से कम 32, 16 दुना 32। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, वाई को कितने समय के बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 20 मिनट में भर जाए? तो 20 मिनट तक अक्ष काम करेगा, एक की स्पीड से 20 मिनट तक अक्ष काम करेगा, मतलब 20 काम कर देगा। तो 32 माइनस 20 12 काम करने के लिए वाई को चला जाएगा। वाई की स्पीड कितनी है? 2 की। वाई ओनली 6 घंटे काम करेगा, 6 घंटे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।